अब मैं आपको बताऊं इलेक्ट्रीशियन के लिए क्या क्या पेपर आएगा। तो इसमें दे रखा है आपके पोस्ट नंबर 3 इलेक्ट्रीशियन का प्लम्बर मिले पेपर पार्ट वन में आपके 15 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के और 15 मार्क रहेंगे। उसके बाद में आपके जनरल अवेयरनेस के आएंगे 15 क्वेश्चन। पार्ट थ्री जो होगा आपका CBT 1 है स्टेज वन के लिए, आपके लैंग्वेज कैपेसिटी टेस्ट जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी 15 क्वेश्चन आएंगे, मतलब हिंदी और इंग्लिश के 15-15 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 30 क्वेश्चन आपके हिंदी 15 क्वेश्चन तो हिंदी के रहेंगे, 15 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे। और इसमें आपके सब्जेक्टिव नॉलेज जो हो गया आपकी अच्छी बात है, सब्जेक्टिव नॉलेज के आपके 60 क्वेश्चन आएंगे, आपके जो सब्जेक्टिव नॉलेज है उसके 60 क्वेश्चन आएंगे। और इसमें जो आपका ड्यूरेशन दिया जाएगा जो इसमें आपके टाइम रहेगा टेस्ट विद 2.5 घंटे का रहेगा, मतलब आपके 1.25 घंटे का 2 घंटे 15 मिनट का आपके इसमें टाइम रहेगा करने के लिए आपके। और इसमें 4 पार्ट में आपका पेपर होगा, 120 क्वेश्चन होंगे, 120 नंबर के, मतलब 1 क्वेश्चन आपके 1 मार्क का होगा, आपको ये याद रखनी है। और 60 नंबर आपके सब्जेक्टिव नॉलेज रहेगी, ठीक है।